2020 आ चुका है, सो विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर. आई एम सो 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 ये आज की थर्ड बैग की जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है और मेरी मोस्ट फेवरेट बैग मुझे रिसीव हुई है. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वान्या फैशन. सो मैं फिर आ गई आप सभी की रिक्वेस्ट के साथ. वैसे ही 2019 की नवंबर और दिसंबर की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, जिसका थंबनेल आप सभी ने पढ़ लिया होगा. 2020 आ चुका है और 2020 की ये है फर्स्ट वीडियो. मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई क्योंकि कंटिन्यूअसली मैं बाहर बाहर थी. अगर आप मेरी अपडेट्स जानना चाहते हैं तो आप मान्या व्लॉग्स पर मुझे फॉलो कर सकते हैं. मान्या व्लॉग्स को आप चेक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मेरा लव स्टोरी भी आ चुका है. जैसे कि आप सभी ने टाइटल पढ़ लिया होगा कि आज मैं आपके साथ जूट के बैग्स का हॉल लेकर आई हूँ. आज मैं आपके लिए टोटल 5 जूट के बैग्स लाई हूँ जो कि बहुत ही स्टाइलिश, डिफरेंट और एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है. सबसे अच्छी बात कि ये फ्लिपकार्ट से है और काफी रीजनेबल प्राइसेस में है. मोस्टली यही होता है कि जो बैग्स या जो भी चीजें हमें ऑनलाइन दिखाई जाती है वो दिखाती इतनी है, रिसीव इतनी सी होती है. बट दिस टाइम जो बैग्स का हॉल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कलेक्शन आपके लिए लेकर आई हूँ, वो आपको दिखाया तो इतना गया है बट रिसीव इतना बड़ा हुआ है. सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है. सो वीडियो पे स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिए. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. जितनी भी बैग्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सारी ही बैग्स हैं under 4, under 5 और under 600 में. फर्स्ट बैग जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, आप देख सकते हैं ये प्योर जूट की बैग है. जितनी भी बैग्स हैं सारी ही जूट की है, बहुत ही सॉलिड है और यूं आप कह सकते हैं कि खाती पीती घर की बैग्स हैं. सो आप देख सकते हो ये जो बैग है ये बहुत ज्यादा लग रही है प्यारी. प्योर जूट में जो फैब्रिक आता है देखिए, उसके साथ आपको इसमें बीच में दिया गया है डिजाइन और ये पूरा ही जूट है. जूट में ही आपको ज्वाइन कर देखिए यहाँ पर इसके जो बेल्ट है वो रिसीव होते हैं. झोला टाइप ऑफ ये जो बैग है आप अंदर से देख सकते हो, बिल्कुल ही फ्री है. मतलब इसमें कोई भी जिप या कुछ नहीं दिया गया है. जिस तरीके से हैंडबैग के साथ जब हम ट्रैवलिंग में होते हैं और हमें एक बड़े बैग की जरूरत होती है तो बिल्कुल से परफेक्ट है. एज अ हैंडबैग भी जो ये साइज है बिल्कुल से परफेक्ट है. ये जो बैग है ये under 500 में है. इनके जो प्राइसेस है आपको स्क्रीनशॉट देखने के लिए मिल जाएंगे. सो फर्स्ट बैग मुझे रिसीव हुई है जूट की, ये वाली, जो मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा पसंद आई है. देन बात करेंगे आज के सेकंड बैग की और आप देख सकते हैं अगेन ये प्योर जूट का बैग है. जो इसका साइज है काफी फ्री है, बहुत ज्यादा बड़ा है. अगेन ये झोला टाइप ऑफ बैग है लेकिन इसमें हमें बिल्कुल भी कलर्स या डिजाइन नहीं दिए गए हैं. सिंपल जो जूट आता है वो है, बहुत ज्यादा सॉलिड है. सबसे अच्छी बात कि आप इसे सिंपली वॉश कर सकते हैं अगर आपको ये कभी खराब लगे तो. अंदर से आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से ये झोला टाइप मिलता है. इसका जो स्पेस है बहुत ज्यादा अच्छा है, आपको बैक साइड से देखने के लिए मिल जाएगा. तो इस तरीके से आप इसमें काफी चीजें रख सकते हैं. कभी अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और जिस तरीके से पॉलिथिन्स बंद हो चुकी हैं तो उस टाइम के बैग बहुत ज्यादा अच्छी है. मार्केट जा रहे हैं, वेजिटेबल आपको शॉपिंग करनी है, तब भी आप इजिली पॉलिथिन्स में अपनी वेजिटेबल्स डालकर वहां पर भी इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि जो बैग है ये बहुत ज्यादा सॉलिड होती है. इस वाली बैग में सबसे अच्छी बात है कि इसको थोड़ा सा स्टाइलिश दिखाने के लिए आपको यहाँ पर फैब्रिक के बेल्ट दिए गए हैं और यहाँ पर नॉट बांधे गए हैं. आप इसे इजिली रिमूव कर सकते हैं और जब वॉश करें उसके बाद आप फिर से लगा सकते हैं. अगर इस तरीके की बेल्ट आप कलरफुल चाहते हैं तो आप खुद घर पर बनाकर भी आप इजिली यहाँ पर इसकी नॉट जो है उसको खोल सकते हैं और उसे ऐड कर सकते हैं. तो ये वाली बैग अगेन मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी और ये under 600 की है. तो सेकेंड बैग मुझे रिसीव हुई है दिस वन, जो कि अमेजिंग है और बहुत ज्यादा प्यारी है. अब बात करेंगे आज की थर्ड बैग की जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है और मेरी मोस्ट फेवरेट है. आप देख सकते हैं अगेन ये है जूट की, जो इसका स्टाइल है बहुत ज्यादा प्यारा है. आपको इस तरीके से देखिए पूरी ही नेट में मिलती है लेकिन बस यही है कि आप इसे एज अ हैंडबैग अगर यूज करते हैं तो आप अपना वॉलेट, मोबाइल, चार्जर या जो एक पाउच में चीजें होती है उसमें डालकर इसे यूज कर सकते हैं. नॉर्मली अगर आप बाहर जा रही है, शॉपिंग के लिए जा रही है, आउटिंग के लिए जा रही है तो आप बहुत अच्छे से इसे झोला स्टाइल वाइज यूज कर सकती हैं. मार्केट जा रही है, शॉपिंग करने जा रही है तो जो स्टाइल है बहुत ज्यादा प्यारा है और ये मुझे under 350 में रिसीव हुई है. काफी अच्छे कलर ऑप्शन इसमें अवेलेबल है. सो मुझे थर्ड बैग रिसीव हुई है जूट की, ये वाली, जिसका स्टाइल बहुत प्यारा है और ये शीन और क्लब फैक्ट्री पर भी अवेलेबल है लेकिन फ्लिपकार्ट पर जिसके प्राइसेस है बहुत ज्यादा अमेजिंग है. सो ये थी थर्ड बैग. अगेन ये बहुत ज्यादा अच्छी है और जिनकी भी रिक्वेस्ट थी वो डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं. देन मुझे रिसीव हुई है आज की फोर्थ बैग. अगेन ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, जो इसका स्टाइल है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है. तो आप देख सकते हैं ये प्योर जूट की बैग है और इस जूट की बैग में आपको बहुत ही प्यारा जूट का जो थ्रेड आता है सिल्वर कलर का, उसकी बुनाई आपको दी गई है इस तरीके से. तो एक जो लेयर है वो आपको मिलती है जूट की और एक मिलती है सिल्वर कलर की, जिससे कि जो बैग है बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगती है. इसके जो कलर है आप देख सकते हो जिस तरीके का शाइन है, ये आप अपने वेस्टर्न इंडियन किसी भी आउटफिट के साथ ले सकते हैं. अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आप बड़ा बैग चाहती है स्टाइलिश और कुछ जूट में ट्राई करना चाहती है, आप कुछ सॉलिड चाहती है तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकती हैं. अगर आप शॉपिंग करने जाती हैं
या हम मतलब फ्लाइट में, ये इसके बिल है, अगर हम फ्लाइट वगैरह में अपना ट्रेवल कर रहे हैं, कार में कर रहे हैं, बाय रोड कर रहे हैं, तो सीरियसली मतलब स्पेसफुल है। आप देखिए बहुत ज्यादा स्पेस इसमें काफी अच्छी है, आप काफी कुछ इसमें डाल सकते हैं जब आप इसे ओपन करेंगे। और सॉलिड है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं कि जो इसके बेल्ट है वो निकल जाएगी, टूट जाएगी, ये बिल्कुल से इसमें ज्वाइन है। तो अगेन मुझे जो ये वाली बैग है ये रिसीव हुई है अंडर 600 में, जो कि अमेजिंग है, स्टाइलिश है, और सीरियसली कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। अगर आप इस वाली बैग के साथ भी जाते हैं तो आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। सो जिनकी भी रिक्वेस्ट थी डेफिनेटली वो इसके साथ जा सकते हैं। देन बारी आएगी आज के फिफ्थ बैग की, और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा जो बोट स्टाइल बैग होता है, इसका जो शेप है कुछ वैसा है। अब तक की जितनी भी बैग्स मैंने आपके साथ शेयर की है ये उसमें सबसे ज्यादा बड़ा साइज है। आप देखिए काफी बड़ा इसका साइज है। अगर आपको काफी बड़ी साइज की बैग लगती है, मार्केट जाते हो, मैं तो कहूंगी मैंने इसे पर्सनली जो है वो ट्राई कर रही हूँ मैं वेजिटेबल्स के लिए मार्केट में। सो मैंने ये प्लान किया है क्योंकि सॉलिड है और प्योर जूट की है। सबसे अच्छी बात कि ये भी अंडर 600 में है, सो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, स्पेस बहुत ज्यादा अच्छी है। और इस तरीके की बैग्स को आप मतलब यूज तो कर ही सकते हो, प्लस आप काफी सारे मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आपको कहाँ किस तरीके से इसे यूज में लेना है, तो स्टाइलिश तो लगती है। अगर आप ऑफिस भी जाते हो तब भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। सो मुझे फिफ्थ बैग ये वाली रिसीव हुई है, और इनका जो स्टाइल है बुनाई का, सारी ही बैग्स का अलग अलग है, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप चाहे तो इसे आप कलर भी कर सकते हैं और इसे और भी स्टाइलिश दिखा सकते हैं। तो ये था फिफ्थ बैग, अगेन ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, और जिनकी भी रिक्वेस्ट थी डेफिनेटली वो भी इस वाली बैग के साथ जा सकते हैं। सो ये था टोटल 5 जूट के बैग्स का हॉल जो कि फ्लिपकार्ट से था, अंडर 4, 5 और अंडर 600 की बैग्स है। सारी ही बैग्स अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छी है, स्टाइल और जिनके जो साइज है और जो इनके पैटर्न है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, प्राइस अलग है, और सबसे अच्छी बात कि सीरियसली बैग बिल्कुल से खाते पीते घर की है। सो बिल्कुल से आप इन वाली बैग्स को ट्राई कर सकते हो। छोटा साइज बड़ा साइज दिखा के छोटा दिया जाए, या फिर आपको छोटा हो बड़ा हो कन्फ्यूजन है, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, और आप इनमें से कोई भी बैग को ट्राई कर सकते हैं। सो ये था आप सभी की रिक्वेस्ट पर टोटल 5 जूट की बैग्स का हॉल, और ये फ्लिपकार्ट से था। काफी अच्छे प्राइजेस में ये आपको फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात कि जितनी भी बैग्स है वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, कलर ऑप्शन के साथ है। एक मैंने जूट और सिल्वर कलर की दिखाई, एक मैंने कलरफुल और जूट की दिखाई, एक मैंने बोट साइज की दिखाई, एक मैंने बेल्ट जो डिफरेंट है वो दिखाई, और एक तो मैंने बहुत ही अच्छे वुडन के जो हैंडल है उसके साथ आपको दिखाई। इसके बाद आप जूट में किस तरीके की बैग्स देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। सो बैक टू बैक मेरे ऑनलाइन शॉपिंग के रिव्यू वीडियोस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं मान्या पैशन पर, तो कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, और मिलते हैं बहुत जल्दी मेरे नेक्स्ट शॉपिंग हॉल वीडियो में। टेक केयर, बाय।